इनहेरिटेंस इन जावा। इन सिंपल वर्ड इनहेरिटेंस इज डिफाइंड बाय रिलेशनशिप बिटवीन अ पेरेंट एंड इट्स चाइल्ड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे। पहले हमने कल डिस्कस करा था इसके बारे में। द चाइल्ड एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट और प्रॉपर्टी में क्या होता है डेटा मेंबर और फंक्शनैलिटी। इफ वी हैव अ क्लास एंड वी वॉन्ट टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ दैट क्लास इन साइड अ न्यू क्लास देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। So inheritance Java allows us to carry the feature of the parent class to the child class. Okay? जैसे कि एक क्लास है हमारी A और इसकी कुछ प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी है। तो अगर हमारी क्लास है B और इससे जिसमें हम क्या करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं किसी क्लास A की तो हम क्या करेंगे A क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। इस केस में जो एरेंट A है वो क्या कहलाएगी पेरेंट क्लास या फिर उसे सुपर क्लास भी बोलेंगे या फिर क्या होगी बेस क्लास। और अगर हम क्लास बी की बात करें तो ये क्या कहलाएगी चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास या फिर क्या डिराइव्ड क्लास। ओके अगर हम बोलें क्लास बी की तो ये क्या है ये एक्सटेंडेड क्लास है। एक्सटेंडेड मींस जिसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो गई। ओके इनहेरिटेंस हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है। जैसे कि क्लास ए है और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है ए और एक मेथड है शो और क्लास बी अगर एक्सटेंड कर रही है क्लास ए की प्रॉपर्टी तो इस केस में ये क्या करेगी एक्सेस करेगी किसे वेरिएबल ए को और शो को। बस ये चीज याद रखना कि ये दोनों किस टाइप के होंगे इंस्टेंस। ओके स्टैटिक को हम कैसे कॉल करते हैं स्टैटिक को हम कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास और स्टैटिक किससे रिलेट करता है क्लास से। क्लास जो चीज क्लास से रिलेट कर रही है उसे थोड़ी हम एक्सेस करेंगे क्योंकि वो क्या है वो स्टैटिक है किसके लिए क्लास के लिए। द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस इज सिंपल बट पावरफुल। व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू क्लास एंड देयर इज ऑलरेडी अ क्लास दैट इंक्लूड्स सम ऑफ द कोड दैट यू वांट यू कैन ड्राइव योर न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। जैसे कल हमने डिस्कस कर रहा था किसका कैलकुलेटर का एग्जांपल कि अगर ऑलरेडी फंक्शनैलिटी है एग्जिस्ट करती है और हमें क्या है एक नया मॉड्यूल बनाना है या नया कोड बनाना है तो हम क्या करेंगे प्रीवियस वन को इनहेरिट कर लेंगे। ओके इन डूइंग दिस यू कैन रीयूज द फील्ड एंड मेथड ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट हैविंग टू राइट एंड डीबग देम योरसेल्फ। अब अगर हम बात करें पेरेंट क्लास सुपर क्लास या बेस क्लास की डेफिनेशन के बारे में तो द क्लास हूज प्रॉपर्टी एंड फंक्शनैलिटीज आर यूज्ड और इनहेरिटेड। ओके अगर हम चाइल्ड क्लास सब क्लास ड्राइव्ड क्लास या फिर एक्सटेंडेड क्लास की बात करें तो द क्लास दैट एक्सटेंड्स और इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अनदर क्लास। ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास की फंक्शनैलिटी या प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है या एक्सटेंड करती है उसे क्या बोलते हैं चाइल्ड क्लास सब क्लास ड्राइव क्लास या एक्सटेंडेड क्लास। अब बात करें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की तो इनहेरिटेंस होता है सिंगल लेवल और मल्टी लेवल हायरार्किकल। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स जब केवल एक ही पेरेंट होता है। ठीक है किसी भी चाइल्ड का क्या एक पेरेंट होगा तो ये क्या कहलाएगा सिंगल इनहेरिटेंस। इन दिस देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास करस्पॉन्डिंग टू ईच चाइल्ड क्लास। ओके इसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस और क्या आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके अब अगर हम सिंगल लेवल की इनहेरिटेंस की बात करें तो जब इनहेरिटेंस परफॉर्म होता है किस पे ओनली वन लेवल तो उसे क्या बोलते हैं सिंगल लेवल। जैसे कि क्लास ए है उसकी और एक क्लास बी है और बी क्या कर रही है इनहेरिट कर रही है किसकी ए क्लास को तो ये क्या कहलाएगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके हमने जो भी प्रोग्राम करे थे वो क्या थे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के क्योंकि हमने एक क्लास बनाई थी और उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर दिया था एक और क्लास। अब अगर हम बात करें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तो अगर कोई भी क्लास है ए उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है क्लास बी
ओके और एक क्लास है सी जो क्या कर रही है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है क्लास बी की, ठीक है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के लेवल कितने हो गए, एक से ज्यादा। अगर उसी तरह से एक क्लास ए है और एक क्लास बी है और बी क्या कर रही है, ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, एक क्लास सी है जो क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है बी की प्रॉपर्टी, और एक क्लास डी है जो क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है सी की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। ओके ओके इसके लिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। एडिट प्लस फाइल न्यू जावा, ठीक है। क्लास हमारी ग्रैंड पेरेंट, या फिर क्लास हमने बना ली वन, ठीक है, या फिर हमने क्लास बना ली क्या मेन। ओके एक क्लास है हमारी क्लास वन और एक क्लास है क्लास टू, ठीक है। टू क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किसे, वन को, और जो ये जो मेन है ये क्या कर रही है, ये एक्सटेंड कर रही है किसे, टू को। वन को एक्सेस करा किसने, टू ने, और टू को एक्सेस कर लिया किसने, मेन ने। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस एक से ज्यादा लेवल पे एग्जिस्ट कर गया। अगर इसके अंदर एक मेथड है वॉइड डिस्ट, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक मेथड है वॉइड शो, और अगर हम मेन मेथड दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। अगर हम मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन एम इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, एम डॉट डिस्क और एम डॉट, अगर हम इसे करेंगे फाइल कमांड प्रॉम्प्ट, डी ड्राइव जावा प्रोग्राम डेट पाथ इक्वल टू सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल, और जावा मेन क्लास का नाम क्या था, मेन आ गया, डिस्को मेथड और शो मेथड, ठीक है। इस क्लास से क्या करा, इस क्लास को एक्सेस करा, और ये क्लास किसे एक्सेस कर रही थी इसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस क्लास से हम इस क्लास पर गए और इस ये क्लास किसे एक्सेस कर रही थी इसे, तो अगर देखा जाए तो ये वाली क्लास क्या कर रही है, ये वाली क्लास इनडायरेक्टली इसे एक्सेस कर रही है, इसकी प्रॉपर्टी को भी, ठीक है। अब वहाँ पे एक चीज और थी, वहां पर ये था कि जब हमने एक और क्लास की, अगर मान लो एक और क्लास है क्लास थ्री, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर केवल एक वेरिएबल है इंटीजर वैल्यू, क्या है, इसके अंदर मेथड भी हो सकता था, इंस्टेंस ब्लॉक भी हो सकता था, ओके। तो अगर हम इस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे m डॉट वैल्यू, हम कंपाइल करेंगे, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि थ्री यहाँ पे एक्सटेंड, ये थ्री को तो नहीं कर रहा ना, ये किसे कर रहा है, टू को। तो इसके लिए ये जो वैल्यू है ये क्या है, अननोन है, तो ये कह रहा है ना कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसके लिए हम क्या करेंगे, थ्री क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है किसे, टू को, और मेन किसे एक्सटेंड करेगा, थ्री को। अब अगर हम कंपाइल करेंगे तो एरर खत्म, और जब इसे कंपाइल को रन करेंगे तो आ गया 100।
तो इस तरह से हम क्या है कि क्लास एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकती है, उसकी फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकती है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस। ओके सर, इसमें क्लास का कोई सीक्वेंस भी जरूरी है क्या? कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है, कोई भी क्लास कहीं पर भी हो सकती है ना, पहले बाद हाँ, में। डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। मान लो ओके हमारे पास 10 क्लासेस पहले से हैं अवेलेबल, ओके लेकिन हमें यूज केवल 2 करनी है। ओके अभी मान लो मनु ने एक प्रोग्राम बनाया कि एक कैलकुलेटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक क्लास बनाया, ठीक है। अब मनु ने एक ऐसी क्लास बनाई जो क्या कर रही थी, जो कैलकुलेटर की थी लेकिन वो क्या कर रही थी, मॉड्यूलस भी परफॉर्म कर रही थी। तो मनु ने क्या करा कि पुरानी वाली जो क्लास थी उसे इनहेरिट कर लिया। तो अब ये जो क्लास है इसमें केवल मॉड्यूलस की फंक्शनलिटी है, बाकी पुरानी फंक्शनलिटी थी वो उसने इनहेरिट कर ली, तो हमें कोड तो नहीं लिखना पड़ा। अब मान लो आगे जाके मनु को क्या करा, मनु ने साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने के लिए मॉड्यूलस की फंक्शनलिटी तो एक नीचे वाली क्लास में थी ना, ठीक है। जैसे कि एक क्लास थी हमारी कैलकुलेटर, दूसरे वाली में क्या करा हमने मॉड्यूलस भी बना लिया, मॉड्यूलस कैलकुलेटर, उसमें क्या करा इसे इनहेरिट कर लिया। फिर हमने बनाया साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उसमें किस क्या करा इसकी फंक्शनलिटी को हमने इनहेरिट कर लिया। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था ना, अगर हम इसे इनहेरिट करते तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता, मॉड्यूलस की फंक्शनलिटी और लिखनी पड़ती, लिखनी पड़ती कि नहीं, समझ में आ रहा है? यस। तो बस इसी तरह से चलती है चीजें, ठीक है। तो मल्टी लेवल में क्या होता है इस तरह से, अगर हम हायरार्किकल की बात करें कि जब एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि अगर एक क्लास ए है उसकी को प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है क्लास बी, और एक ही प्रॉपर्टी को एक और क्लास है सी वो इनहेरिट कर रही है, तो ये क्या है, एक हायरार्की बन गई, एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अगर इस केस में क्लास डी है और प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है क्लास की, तो ये भी क्या है, ये एक हायरार्की है। अगर बोले क्लास ए है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है क्लास बी, और बी की प्रॉपर्टी और एक क्लास सी है सी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, वो सी क्या कर रही है ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। अब इस क्लास इस केस में क्लास डी है जो क्या कर रही है बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तो ये भी क्या है, ये भी एक हायरार्की है, ये क्या है एक हायरार्की, ठीक है। तो हायरार्किकल में हायरार्किकल में अगर हम बात करें तो हमारी एक क्लास है वन और एक है क्लास टू, ठीक है। एक क्लास है ये और एक क्लास हमने यहाँ पर बना दी, इसे हम हटा देंगे। ये हमने बना दी मेन टू और ये किसे कर रही है वन को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। केवल मेथड एक ही है तो हमने क्या करा एक ही मेथड को कॉल करा, ओके। बस ये है, हमने एक इसमें सिंटैक्स लिख दे रहे हैं जिससे तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगी कौन सी क्लास एग्जीक्यूट हो रही है, मेन क्लास सर। ये वैल्यू किसके लिए है आपने? एक मिनट, वैल्यू तो हमने कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल कोई वैल्यू है वैल्यू नाम का कोई वेरिएबल है नहीं। तो ये क्या है, ये मेन टू क्लास है, ठीक है। अब जब हम इसे कंपाइल करेंगे प्रोग्राम कंपाइल होगा, हाँ m.dist
है, और यहां पर भी क्या है, मेन एम इज इक्वल टू न्यू मेन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एम की जगह एम वन और इधर की जगह भी एम वन, ठीक है। ऐसा भी है सर, ऐसा तो नहीं था। ओ सॉरी सॉरी, बात ऐसे की नहीं है, हम सेम ऑब्जेक्ट से तो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेम रखो, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। क्लास नेम नहीं है। यहाँ पे एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्या मेन टू एक्सटेंड्स वन, ओके। यहाँ पे वन का ओज स्मॉल है, पुराने वाले केस में भी रन होता, लेकिन वो क्या करता, मेन क्लास को यूज करता। अब अगर हमें मेन चलानी है तो हम मेन चलाएंगे मेन क्लास, ठीक है, पर अगर हमें मेन टू चलानी है तो मेन टू चलाएंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन टू आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हायरार्की है, हायरार्की किस टाइप की, ठीक है, हमारी क्लास वन, और वन को क्या कर रहा है, मेन, और दूसरा क्या कर रहा है, मेन टू। तो ये क्या बन गई, एक हायरार्की बन गई, इसलिए ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है, हायरार्कल, ओके। अब अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो देयर आर मोर देन वन पेरेंट क्लास करस्पॉन्डिंग टू ईच चाइल्ड क्लास, अगर किसी भी चाइल्ड की एक से ज्यादा पेरेंट होगी तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि एक क्लास है ए और एक क्लास है बी, और बी क्या कर रही है, एक ही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, ये क्या था, ये सिंगल इनहेरिटेंस था, ठीक है। लेकिन अगर बी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है किसकी, एक क्लास सी की, तो इस केस में ये क्या कर रही है, दो क्लासेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, एक से ज्यादा पेरेंट हो गया, एक से ज्यादा पेरेंट हो गया, तो इस केस में जो इनहेरिटेंस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल। बट जावा सपोर्ट नहीं करता किसे, मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इन केस ऑफ क्लासेस, क्लासेस क्यों नहीं करता, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम, जिसे हम डिस्कस करेंगे कब, जब हम पॉलीमॉर्फिज्म खत्म करेंगे, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, व्हेन प्रोग्राम कंटेन्स बोथ सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसे भी हम कब डिस्कस करेंगे, बाद में। अब ये चीज याद रखो, सब क्लास इनहेरिट्स ऑल द मेंबर्स, इसमें क्या, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड इनर क्लासेस, इनर क्लासेस पे स्टार इसलिए लगा हुआ कि इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल और मेथड में भी क्या होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स एंड ब्लॉक्स आर नॉट मेंबर्स, सो दे आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लास, मैंने कल बोला था ना कि इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, बस हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करने के लिए मैंने बता दिया था ऑटोमेटिकली कैसे एक्सेस करता है, बट द कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स ऑफ द सुपर क्लास कैन बी इन्वोक्ड और एक्सेस फ्रॉम द सब क्लास, इन्वोक्ड मतलब कॉल कराना, ठीक है। इन जावा एवरी क्लास हैज अ पेरेंट क्लास और बेस क्लास, एक्सपेक्ट जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, जावा में कोई भी क्लास होगी तो उसकी जो पेरेंट, उसकी कोई ना कोई पेरेंट क्लास होगी, ठीक है, अभी तक अभी तक हम बेसिकली क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं ना, हेलो, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं हेलो, और उसमें हम कोई भी क्लास, किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहे, अभी तक हमने कोई भी क्लास एक्सटेंड तो नहीं करी थी इनहेरिटेंस से पहले, करा था ऐसा, नहीं, हाँ, अगर हमने ऐसा नहीं करा था तो यहाँ पर तो हमने लिखा हुआ है क्या, कि इन जावा एवरी क्लास है था पेरेंट क्लास और बेस क्लास, एक्सपेक्ट जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज याद रखना कि जब भी हम किसी भी क्लास को बनाते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो पेरेंट क्लास होती है वो होती है ऑब्जेक्ट,
If we don't inherit any class, it means that the class inherits the property and functionality of क्या लिखा है? java.lang.object. अगर हम कोई क्लास तो अगर हमने क्लास बनाई हेलो, तो हेलो क्लास बनान अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर रही है किसे? java.lang.object क्लास. ठीक है. Okay. और केवल जो ऑब्जेक्ट क्लास है ये किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है? ये सुपर क्लास, सबसे सुपर. ओके ओके. हेंस java.lang.object इज द रूट और पेरेंट क्लास ऑफ ऑल दी जावा क्लासेस. ठीक है. तो ये इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन था, जिसे तुम वीडियो में देखना. आर्यन तुमने बेटा पढ़ाई करी थी? सर यही वीडियो तो देखी थी आज मैंने. यही तो सब पढ़ा था आज. आर्यन इसमें आपके प्रोग्राम्स नहीं है. हाँ सर की थी सर. समझ में आ गया था? यस सर. अभी तक किसी कोई डाउट चल रहा है या फिर कोई बैकलॉग चल रहा है तुम लोगों का? यस सर. मैंने कल एक दिन का दिन भी दिया था इसीलिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा था तुम लोगों के अकॉर्डिंग. यस सर. तो ये चीज डाउट तो आप कल कह रहे थे ना. डाउट तो आप कल कह रहे थे ना. हाँ, कल हम डाउट के ऊपर डिस्कस करेंगे. फिर हम मंडे से फ्रेश टॉपिक उठाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म में. ठीक है सर. आप इस पे बस यही प्रोग्राम करवाएंगे? किस पे? सिंगल और इस इनहेरिटेंस पे. बाकी उसमें वीडियो में है और मैंने उस दिन प्रोग्राम करा दी ना, अभी आगे और भी प्रोग्राम होते रहेंगे. मैंने तुमसे बोला ना. यस सर. देखो मैं तुम्हें नहीं इनहेरिटेंस, मैं अपने लेवल की बोल रहा हूँ. मैं तुम्हें इनहेरिटेंस आराम से 2 से 3 हफ्ते तक पढ़ा सकता हूँ कंटिन्यू. इनहेरिटेंस अपने आप में एक बहुत वाइड एरिया है. ठीक है सर. लेकिन इसमें जो आपकी वीडियो में सारे प्रोग्राम है वो तो आप इसमें है ही नहीं, जो आपने पढ़ाए नहीं. वो वीडियो मनु वो अलग चीजों के लिए वीडियो बनी हुई है. तो उसे करो नहीं करो? मैं उसे करो. मैंने तो तुम्हें एक्सेस करने के लिए दिए ना, मैंने तो मना नहीं करा. तुम्हें अगर कोई भी डाउट है उसे भी पूछो. सर वही था इंटेलिजेंट आइडिया. हाँ अरे तुम्हें मैंने इंटेलिजेंट आइडिया पर काम करना बता दिया था? नहीं सर, अभी आपकी लेकिन वीडियो देखी थी मैंने. अच्छा, तो अब हम जो भी वीडियो जो भी हम करेंगे काम वो इंटेलिजेंट आइडिया पर करेंगे. ठीक है. तो आज मैं इंटेलिजेंट आइडिया वाली भी वीडियो शेयर कर दूंगा, नहीं तो तुम लोग वहां से देख लेना. तुमने देखी है? नहीं सर. अच्छा, तो तुम्हें वो वीडियो देखनी है. चांदनी बेटा आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? हमारे पास चांदनी को नहीं आ रही. यशवीर यस सर आ रही है. तो तुम लोग इंटेलिजेंट आइडिया की वीडियो देखना. इंटेलिजेंट आइडिया की जो वीडियो है उसमें ये बताया गया कि कैसे इंस्टॉल होना है, कैसे कैसे हम मतलब प्रोग्राम को मतलब किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और उसमें जावा का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और रन कराएंगे. ओके ओके सर.